दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज बस ऐसे ही मैं आया हुआ था अपने खेतों में, तो हमने सोचा ये आपको दिखाते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। ये सरसों की कटाई हो रही है, तो अभी ये देखिए इधर सरसों हमको लगता है पेड़ की छाँव की वजह से उगे नहीं हैं यहाँ पर। यहाँ ये देखिए आम का पेड़ है जो कि ये जो बांस है ना उसकी वजह से सूख रहा है, तो इसे भी कटवाना पड़ेगा। और ये हमारी गेहूं की जो है फसल है, अभी इसमें टाइम है पकने में गेहूं। और ये तार लगे हुए हैं क्योंकि बहुत आवारा पशु हैं तो उनसे बचने के लिए। और इधर सरसों भी अभी पकी हुई नहीं है, जो पक गई हैं वो काटी जा चुकी हैं और उनको इकट्ठा किया जा रहा है। और ये देखिए इधर ये पूरा एक तरफ से जो पक चुकी थी उनका पूरा कटाई हो चुका है और इस समय इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो ये चदरा है इसी पे लाकर ये एक बोझ बनाते हैं ताकि जो सरसों बांधते समय निकले उसे हम एकत्रित कर सकें। और ये आगे आपको चल के दिखाते हैं, ये देखिए इस तरीके से इस चदरे को फैलाकर फिर उस पर रस्सी रखते अरे हैं एक को दें पानी में बोर बांधने के उठा तो लिए। ठीक रहा। और आसपास के जो भी छोटे मोटे पौधे उनको हटाकर ये देखिए इस तरीके से रखा जाता है सरसों। आपके दाएं गर्मी जल्दी आई है ना। आप लोग देख रहे होंगे पतझड़ का मौसम आ चुका है। बाग बिल्कुल पेड़ों से पत्तियां गिर गई हैं। कुछ पेड़ इसमें लकड़ी के ठेकेदारों के भेंट चढ़ गए हैं। यही कारण है कि जो पुराने पेड़ थे वो भी देखिए अब सूखते गए हैं, सूख रहे हैं। अब आपको पुराने पेड़ बहुत कम बाग में दिखेंगे, जो हैं भी उनकी स्थिति दयनीय है। भट्ठों का प्रयोग और वातावरण की कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई है कि बड़े पेड़ सूख रहे हैं। अब आइए चलते हैं गेहूं की तरफ। इस खेत में सरसों थी जिसकी कटाई हो गई है, अब गेहूं में पहुंच चुके हैं। अभी इसमें काफ़ी टाइम है क्योंकि इसकी बुआई थोड़ा लेट हुई थी, इस कारण से अभी थोड़ा सा टाइम लेगा। अभी अभी इसकी सिंचाई हुई है। बाकी सरसों एक ऐसा फसल है जिसको आप एक पानी दे देते हैं उसके बाद ये तैयार हो जाती है। और ये देखिए आपको आगे दिख रहा होगा, आवारा पशुओं से बचने के लिए ये प्रयोग किया गया है बांस का। ये हमारे प्रकाश भाई हैं, बड़े भाई। गेहूं की सिंचाई हो रही है, पानी लगा हुआ है। गेहूं की सिंचाई हमेशा करते वक्त ये सावधानी रखते हैं आप, या आप ये देखें कि पानी कहाँ तक पहुंचा है। अगर थोड़ा से ऊपर नीचे अगर है आपका खेत तो उसमें आपको देखना पड़ता है पानी पहुंच गया अच्छी तरीके से नहीं, नहीं है सब जगह। ये देखिए दोस्तों, ये लहसुन का पेड़ है सही से निराई गुड़ाई नहीं की गई, और इसकी निराई गुड़ाई हुई नहीं है, तो ये बहुत ही कमज़ोर है फल इसमें कमजोर और है। इसके फल भी वैसे होंगे। ये धनिया है, धनिया मतलब धनिया की पत्ती नहीं, अब ये धनिया फल आ चुके हैं इसमें। ये देखिए सरसों भी पक चुके हैं। भैया गेहूं में कितनी बार पानी लगाना पड़ता है? 3 बार। 3 बार।
केवल ये फसल जो है पक जाएगी और फिर कटाई होगी। मतलब अभी कितना समय है पकने में? अभी कम से कम 1.5 महीने। 1.5-2 महीने मतलब मार्च के बाद, मार्च लास्ट मार्च या अप्रैल तक।